हेलो गाइस, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। ईशा मालविया इन दिनों चंडीगढ़ में ना शूटिंग कर रही हैं अपने नए म्यूजिक वीडियो की। ये बात मैं आपको बता चुकी हूं, पर क्या आपको पता है बिग बॉस सीजन 17 के बाद ना ईशा के हाथ लग गया है एक और नया प्रोजेक्ट। जी हाँ, इस बार ये मोहतरमा लग रहा है कि बॉलीवुड की उड़ान भरती आपको आएंगी नजर, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले ईशा मालविया की एक नई तस्वीर सामने आई है जिसमें वो बॉलीवुड कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के साथ नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीर कितनी खूबसूरत लग रही है। ईशा मालविया और वो गणेश आचार्य जो कि कोरियोग्राफर है जाने माने, उनके साथ पोज देती दिखाई दे रही है। और अब यही कहा जा रहा है कि ईशा अब एक कोलैबोरेशन में गणेश आचार्य के साथ शूट करने वाली है। एक उनका ये नया प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत होने वाली है और इसका शूट शुरू होने वाला है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो फैंस है ना वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए ईशा मालविया को लेकर, क्योंकि ईशा भले ही बिग बॉस सीजन 17 को जीत ना पाई हो, टॉप 6 तक नहीं पहुंची, वो 7th नंबर पर ही निकल गई थी घर से, लेकिन देखिए कितना ज़्यादा उनकी जो जर्नी है वो अब बदल रही है। अब उनके तारे जो सितारे हैं वो बुलंद होते नज़र आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ वो म्यूज़िक वीडियो में दिखाई दे रही हैं, अभी जिसकी शूटिंग वो चंडीगढ़ में कर रही हैं अच्छे खासे जाने माने सिंगर के साथ, और वही अब उसके बाद वो अपना नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाली हैं गणेश आचार्य के साथ। और अब इस प्रोजेक्ट की ना एक पहली झलक सामने आ गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, गणेश आचार्य के साथ नजर आ रही है ईशा मालविया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ईशा मालविया पूरी तरीके से अपने काम पर फोकस कर रही हैं। अभी वो कुछ भी ज्यादा रिलेशनशिप पर ध्यान नहीं दे रही हैं। चिंटू यानी कि समर से भी वो उतनी मुलाकातें नहीं करती हैं। अभी उनका सिर्फ और जो फोकस है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानती हैं कि अभी उनकी उम्र बहुत छोटी है और उन्हें अपने करियर को ना चमकाना है। और अब ऐसे में लग रहा है कि वाकई में ईशा का जो करियर है ना वो चमक तो जरूर ही जाएगा। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए गॉसिप टाउन।